नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ कृषि कानून वापसी बिल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया वापसी बिल। सदन की कार्यवाही कल दोपहर तक के लिए स्थगित। 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलने वाले संसद के सत्र को लेकर पीएम मोदी का बयान, कहा हर तरह की चर्चा के लिए केंद्र सरकार है तैयार। कृषि बिल की वापसी के बाद हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कई राजनीतिक मायने। मनोहर लाल खट्टर से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान, कहा किसानों के सभी मुद्दे हुए खत्म, केंद्र सरकार ने किसानों की बात सुनी, अब कोई मुद्दा नहीं बचता, किसान अब अपना आंदोलन वापस लें। हाल ही में कश्मीर में हुई आम नागरिकों की हत्याओं के चलते सेना हुई सतर्क, मुस्तैदी के कारण पकड़े जा रहे हैं आतंकवादी। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरियंट को लेकर एम्स प्रमुख रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा 30 से ज्यादा म्यूटेशन पाए जाने की वजह से टीके को भी चकमा दे सकता है ये वायरस। टीईटी परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 29 लोगों की गिरफ्तारी, योगी सरकार का ऐलान, आरोपियों पर एनएसए लगाया जाएगा। चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरे के बीच जापान के प्रधानमंत्री फुमियो कुशिदा का बयान, कहा जापान की तरफ नजर न डालें वरना हमला करने से पहले सोचा नहीं जाएगा। भारत न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ, न्यूजीलैंड ने अंतिम समय में बचाया मैच। और करण जौहर ने अनाउंस की अपनी नई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, फिल्म में दिखाई देंगे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह। 10 फरवरी 2023 को रिलीज होगी फिल्म।